ऑलराइट, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कि आप लोग अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कैसे कर सकते हो, उनको छोटा कैसे कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पोर्स होते क्या है और ये हमारे किस काम आते हैं। पोर्स होते हैं आपकी स्किन की छोटी छोटी ओपनिंग कुछ इस तरह की, जहां से ऑयल निकलता है। अब ये बहुत जरूरी चीज है, वरना आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी। तो आपकी बॉडी जो नेचुरल ऑयल निकालती है उसको हम सीबम कहते हैं, वो यहां से रिलीज होता है। इससे आपकी जो स्किन है वो लुब्रिकेटेड रहती है और मॉइस्चराइज रहती है, और हमारी स्किन इस पोर्स के थ्रू सांस लेती है। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते, प्रॉपर चीजें नहीं खा रहे होते हो, और साथ ही में आपका जो फेस का रूटीन है ना वो भी इतना सही नहीं होता है ना, तब जाके क्या होता है, आपके जो पोर्स है ना वो थोड़े एनलार्ज दिखते हैं, वो थोड़े से बड़े दिखने लग जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम अच्छे से क्लियर कर ले कि देखिए, ये पोर्स को आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होगा कि आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी, पोर्स कंप्लीटली चले जाएंगे। पोर्स हमारी स्किन के लिए जरूरी है, इसे हम छोटा जरूर कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली मिटा नहीं सकते। थोड़ी सी इसकी साइंस के अंदर घुसते उससे क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना कि हम पोर्स को कितना इजीली रिमूव कर सकते हैं, मतलब ओपन पोर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ये जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आती है, ये आती है जब आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है ना वो लूज होने लग जाती है। आप सोच रहे होंगे भाई हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम कैसे हो जाती है, तो ये होता है मेरे भाई कोलेजन की वजह से। ब्रो अब ये कोलेजन क्या होता है, कोलेजन एक प्रोटीन है जो क्या करता है, इसको अगर इजीली समझना है ना, तो वो एक ग्लू टाइप की चीज है, वो आपके स्किन टिश्यू को कनेक्टेड रखता है। उससे क्या होता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ दिखती है। लेकिन जब आप 20 के हो जाते हो ना, उसके बाद कोलेजन भाई हमसे ऐसे दुखी हो जाते हैं, हमसे अपसेट हो जाते हैं, और उनकी जो प्रोडक्शन होती है ना वो डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे जैसे वो डिक्रीज होती है, आपके पोर्स उतने ही ज्यादा विजिबल होते जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके साइंस के बारे में, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। तीन ऐसे सेक्सी सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर वन, जब भी आप अपना फेस वॉश करो तो उसे ठंडे पानी से करो। देखो ठंडा पानी क्या करेगा, आपके जो पोर्स है ना उसकी साइज थोड़ी कम दिखाएगा, वो आपके स्किन के जो पोर्स है ना उनको श्रिंक करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। फेस वॉश करने से पहले आपको नॉर्मल वाटर से आपके फेस को वॉश करना है, उसके बाद आपका जो भी फेस वॉश है आपको उसको अप्लाई करना है। लेकिन बाद में जब आप उसे वॉश करो ना, तब आपको ठंडे पानी का यूज करना है। उससे क्या होगा, आपके जो पोर्स है ना वो सारे क्लोज हो जाएंगे। टिप नंबर टू, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड यूज करते और सोचते कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी गई किस वजह से थी, कोलेजन के प्रोडक्शन की वजह से वो लो हो गया था इस वजह से। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन का जो प्रोडक्शन था वो वापस से इंक्रीज हो जाए? हाँ मेरे भाई, आप कोलेजन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं दो तरीके। एक तरीका ऐसा है जो शॉर्टकट है लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की टाइप का भी हो सकता है। एक तरीका ऐसा है जो थोड़ा सा पेशेंस मांगेगा, थोड़ा सा, क्योंकि वो एक नेचुरल वे है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट की। तो देखो, कोलेजन इंक्रीज करने के लिए ना एक टेबलेट्स आते बहुत सारे कोलेजन के, अगर आप वो लोगे ना तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन अपने डाल दिया, ठीक है, तो बॉडी का कोलेजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये एक टाइप से फॉरेन कोलेजन है, आपकी बॉडी ने खुद इसको प्रोड्यूस नहीं किया, ये बाहर से आया। तो कहीं ना कहीं ये रिस्की हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म अगर आप इसको यूज करते हो तो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। दूसरा रास्ता आता है कि आप कोई ऐसी चीज कंज्यूम करो जिससे आपकी बॉडी का ओरिजिनल कोलेजन बूस्ट हो, और ऐसा ही एक प्रोडक्ट आता है ओजीवा की तरफ से, कोलेजन बिल्डर। ये आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी का जो नेचुरल कोलेजन होता है ना उसको बूस्ट करता है। समझो जैसे मैंने आपको बताया था 20 के बाद क्या होता है, कोलेजन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रोडक्शन होती है वो स्लो होने लग जाती है। तो ये जाके उसको बूस्ट करता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कोलेजन इंक्रीज होते हैं, हमारी स्किन और ज्यादा टाइट होने लग जाती है, और हमारे पोर्स एकदम चले जाते हैं। देखो चले नहीं जाते, वो छोटे हो जाते, पहले जो बहुत बड़े दिख रहे होते हैं ना, फिर आपके पोर्स उतने ज्यादा बड़े नहीं दिखते। ओजीवा कोलेजन बिल्डर के अंदर है विटामिन सी, उसके अलावा इसके अंदर बायोटीन है, इसके अलावा इसके अंदर सिलिका। अब देखो ये सारी ऐसी चीजें हैं ना जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, और ये सारी चीजें आपकी स्किन के ऊपर ऐसे रौनक लेके आती है। अब बात करते हैं ओजीवा कोलेजन बिल्डर को आपको यूज कैसे करना है। आपको सबसे पहले इसको ना शाम के टाइम कंज्यूम करना है। आपको 200 ml नॉर्मल पानी के अंदर 2 स्कूप, इसके साथ आपको स्कूप मिल जाएगा, वो 2 स्कूप उसको पानी के अंदर ऐड करना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद उसको आपको कंज्यूम करना है। थोड़े टाइम के अंदर आप नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे कि आपकी स्किन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी स्किन अब थोड़ी टाइटर रह रही है पहले के मुकाबले। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं लास्ट इसको 1.5 महीने से यूज कर रहा हूं और बहुत बॉम रिजल्ट दिया इसने। इसका टेस्ट थोड़ा टैंगी है और ये आपके बजट के अंदर कंप्लीटली फिट हो जाएगा।
ओजीवा कोलेजन बिल्डर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इसे बाय कर सकते हो। टिप नंबर 3, आपको मुल्तानी मिट्टी फेस पैक को अप्लाई करना है। देखो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये आपकी स्किन से, आपके फेस से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना, उसे सारा निकाल देती है, सारा डर्ट निकाल देती है, आपकी स्किन को टाइट करती है, आपकी स्किन को ब्राइट करती है। और क्या चाहिए दीपिका? देखो अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तो आपको हफ्ते में 2 बार मुल्तानी मिट्टी फेस पैक को अप्लाई करना है। मुल्तानी मिट्टी लेनी है आपको, उसके अंदर आपको ऐड करना है थोड़ा सा रोज वाटर और उसको अप्लाई कर देना है 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो। अगर आपकी कंबाइंड स्किन है तो आपको चेक करना होगा कि मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्राई तो नहीं हो जाती। अगर एक्स्ट्रा ड्राई होती है तो समझ लो कि ये आपको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज करना है, और ड्राई स्किन वालों को तो ये हफ्ते में एक ही बार यूज करना है। आप संडे को यूज कर सकते हो ब्रो, ऐसे संडे ब्यूटी डे। मैंने जो आपको चीजें बताई ना, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। आप रिजल्ट नोटिस कैसे कर सकते हो? आप नॉर्मली अपने फोन से अपना एक फोटो लेना अपने स्किन के पोर्स का, ठीक है, और 45 डेज या 50 डेज इसको यूज करने के बाद वापस एक फोटो लेना, आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखने मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, उम्मीद है ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे